हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं सुजुकी की तरफ से जो अल्टो K10 है उसका जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है 2022 के अंदर, उसका पूरा जो रिव्यू है वो हम आपको देंगे आज कि क्या कुछ फीचर कंपनी अपने को इस जो बीस्ट है इसके अंदर देती है, क्या क्या मतलब एड ऑन किए गए हैं, क्या फीचर घटाए गए हैं और किस प्राइस रेंज में ये आ जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें फ्रंट लुक से तो फ्रंट लुक के अंदर अपने को कुछ इस प्रकार की जो ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को जो क्रोम फिनिश है वो देखने को मिलती है। यहाँ अपने को सुजुकी लोगो जो है वो देखो, जो मतलब इन दोनों क्रोम जो है उनके बीच में अपने को सुजुकी लोगो जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने को जो ग्रिल है वो मिल जाती है। यहाँ एयर इनटेक जो है उसका स्पेस जो है अपने को वहाँ यहाँ देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें नंबर प्लेट की तो यहाँ पर अपने को नंबर प्लेट जो है उसका स्पेस देखने को मिलता है। और फ्रंट में मतलब जो फॉग लैंप है उसका स्पेस नहीं दिया गया है इसके अंदर। और यहाँ पे अपने को जो लाइट्स हैं वो हेलोजन लाइट्स देखने को मिल जाती है। पहले वाला मॉडल था और जो अब वाला मॉडल है उससे जो मतलब फ्रंट लुक है उसके अंदर मतलब एक बोल्डनेस दी गई है। जो अब वाला जो मॉडल है उसके अंदर मतलब जो गाड़ी है वो ज़्यादा बल्कि नज़र आती है। और फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है उसका कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। या अपने को यहाँ पर अपने को जो है अलग से क्लैडिंग्स जो है वो दी गई हैं। अगर बात करें साइड लुक से तो साइड लुक के अंदर जो मतलब इंडिकेटर हैं वो अपने को यहाँ फेंडर पे देखने को मिल जाते हैं। और जो टायर साइज है इसके अंदर अपने को 145R13 मतलब 13 इंच के जो टायर हैं वो अपने को देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर अपने को स्टील रिम्स देखने को मिलती हैं। साथ ही जो कवर है वो स्टील रिम्स के अंदर जो कवर है वो दिया गया है, मतलब अलॉय व्हील जो है उसका ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। ये जो मॉडल है ये है VXI+। तो इसके अंदर जो मतलब कुछ फीचर जो एड ऑन किए गए हैं, जैसे कि जो इसके अंदर फीचर एड ऑन किए गए हैं इंटीरियर के अंदर, वो मतलब कंट्रोल्स के जो फीचर हैं वो एड ऑन ज़्यादा किए गए हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो अपने को टच स्क्रीन, नेविगेशन, एप्पल कारप्ले जो है, मतलब एक इतनी छोटी गाड़ी के अंदर ये सब कुछ फीचर देना बहुत बड़ी बात है। और इसके अंदर अपने को चारों डोर्स जो हैं उनके अंदर स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मतलब हर कंपनियां नहीं दे रही हैं। इतने छोटी जो गाड़ी है, मतलब जो इस सेगमेंट की कार्स हैं उसके अंदर हर गाड़ी के अंदर मतलब चार स्पीकर नहीं देखने को मिलते हैं। साइड के अंदर अपने को यहाँ पर कुछ ऐसे डोर वाइजर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और ये मतलब एक तरीके से एसेसरी का पार्ट है मतलब। और यहाँ पर जो रूफ है उसके ऊपर अपने को जो है एंटीना देखने को मिल जाता है, जो कि एक सिंपल एंटीना है। यहाँ पर अपने को शार्क फिन जो एंटीना है वो नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। और इस प्रकार की कुछ जो की है वो अपने को देखने को मिलती है, जो कि सुजुकी की जो सिग्नेचर मतलब की है एक प्रकार से, मतलब कितने सालों से केवल यही की चली आ रही है। और जो मतलब एक की जो है उसके अंदर अपने को सेंटर लॉकिंग जो है वो अपने को देखने को मिल जाती है, बाकी जो दूसरी की है वो बिल्कुल सिंपल की अपने को देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार का जो बूट है वो अपने को मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को 214 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपने को पार्सल ट्रे जो है वो ऑफर की जाती है कंपनी की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है। इतनी छोटी कार के अंदर भी पार्सल ट्रे अपने को मिल रही है, वरना जैसे नेक्सॉन का जो सेकंड मॉडल है उसके अंदर भी अपने को पार्सल ट्रे जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। और जो बैक लाइट है वो कुछ इस प्रकार की मतलब हेलोजन ही देखने को मिलती है, जैसे कि ये अपने टर्न इंडिकेटर्स की है। यहाँ पे अपने को जो बैक लाइट मतलब जो रिवर्स गियर है उसका बताती है। यहाँ अपने ब्रेक लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अपने को दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ अपने को कुछ नंबर प्लेट जो है उसकी जो स्पेस है वो देखने को मिल जाती है। और कुछ इस प्रकार की जो बैक लुक है वो मतलब निकल के आती है, जो कि पहले वाली जो अल्टो थी उससे मतलब मच बेटर कर दी गई। यहाँ देखिए जैसे अपने को अल्टो K10 है उसकी बैजिंग देखने को मिलती है, यहाँ सुजुकी का जो सिग्नेचर लोगो है वो अपने को देखने को मिल जाता है। टोटली ब्लैक कलर का इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे अपने को मतलब यहाँ पे जो सीट्स हैं वो मतलब सीट्स कवर वगैरह जो कि एसेसरी का पार्ट है एक प्रकार से, तो इस प्रकार का कुछ जो है वो लुक निकल के आता है, मतलब जो कि अंदर से जो इंटीरियर है वो कुछ इस प्रकार का अपने को नजर आता है। और कुछ इस प्रकार का जो कि मतलब जो म्यूजिक सिस्टम है वो अपने को देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ जो कनेक्ट का ऑप्शन है इसको, जैसे इंटरनेट स्मार्टफोन जो कनेक्ट है वो अपने को देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को मीडिया जो है उसके कंट्रोल्स, जैसे कि ऑक्स USB जो है उनके जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, मतलब। और मतलब एक अच्छी बात है कि मतलब इतनी छोटी गाड़ी के अंदर अपने को ये सब फीचर देखने को मिल जाते हैं, मतलब पूरा जो म्यूजिक सिस्टम दिया गया है अपने को वो पूरा अपने को टच के अंदर दिया गया है, मतलब कोई भी किसी प्रकार की यहाँ पर मतलब मैनुअली मतलब कोई भी की वगैरह नहीं दी गई। पूरा जो स्क्रीन है वो जैसे देखिए यहाँ पे अपने को टाइमिंग वगैरह दिखाते हैं, यहाँ से अपना ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो अपने को वॉइस कमांड जो है उसके कंट्रोल्स अपने को देखने को मिल जाते हैं, जो कि मतलब एक इतनी छोटी गाड़ी के अंदर ये कुछ सब फीचर देखना बड़ी बात है एक। और यहाँ पे अपने को जो
पावर विंडोज हैं उनके कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे अपने को हजार्ड लाइट्स जो हैं वो देखने को, मतलब उनके जो कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर अपने को जो है मतलब 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को ऑक्स और जो यूएसबी है उसका स्पेस देखने को मिल जाता है, और मतलब इस प्रकार की कुछ यहाँ पर जो अपने को 5 स्पीड जो है मैनुअल ट्रांसमिशन वो अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने को हैंड ब्रेक जो है उसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर स्पेस की बात करें तो मतलब एक अच्छा स्पेस जो है वो सुजुकी ने इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया है, और जो स्टेयरिंग्स है वो मतलब कुछ इस प्रकार का लेदर जो फिनिश है उसके अंदर दिया गया है, मतलब ये लेदर से जो है रैप किया गया है। इसके अंदर अपने को मतलब म्यूजिक कंट्रोल जो है उसके मोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से अपन जो मतलब म्यूजिक जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल और जो मतलब कॉल डिस्कनेक्ट कनेक्ट और मतलब कॉल लगाना हो या वॉइस कमांड जो है उसका जो है वो अपने को देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार का सुजुकी का लोगो और इस प्रकार का जो स्टीयरिंग है वो अपने को देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब एक अच्छी है बात है कि। और यहाँ पर अपने को जो मिरर है वो अपने को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हेलोजन लाइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और अगर बात करें अल्टो K10 का जो मतलब इंजन है वो अपने को 1000cc का जो इंजन है वो अपने को देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर जो प्राइस रखा गया है कंपनी की तरफ से वो रखा गया है 6,40,000 रुपये। इसके अंदर कंपनी की तरफ से अपने को 1,00,000 किलोमीटर या 5 साल जो है वो अपने को वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब सुजुकी की तरफ से ही अपने को प्रोवाइड करवाई जाती है। और ऐसी ही कार रिव्यूज की और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है और आप किस कार का रिव्यू चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कार का रिव्यू जरूर कर पाऊं।